Everyone, I'm your friend, your host Badal Bhandari, and I welcome you in your favorite YouTube channel that is Dogs Your Friends Forever. Dear friends, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये स्पेशल इसलिए भी है, आज मेरे साथ में एक सेंट बर्नार्ड बेबी है और सेंट बर्नार्ड ब्रीड जो है मेरी और मेरी बेटी इबादत की फेवरेट है. ऑफ कोर्स जब भी हम सेंट बर्नार्ड के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि मेरी अपने गब्बर से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं. इस बच्चे की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत सुंदर क्यूट बेबी है. वाइट ब्राउन एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन है इसका. जो इसका ब्राउन कलर है वो बाद में चेंज हो जाएगा, ऑरेंजिश में हो जाएगा. आज मैं आपको सेंट बर्नार्ड ब्रीड के बारे में बताने वाला हूँ. जो फ्रंट लेग्स हैं इनकी वो वाइट रहती हैं, चेस्ट वाइट रहती है. अगर आप देखेंगे, देखिए चेस्ट ब्रॉड, हैवी ब्रॉड चेस्ट रहती है. इधर देखने दो, ब्रॉड चेस्ट रहती है. पॉज बहुत हैवी होते हैं. अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे जर्मन शेफर्ड के या लैब्राडोर या रॉटवीलर के, तो इनके पॉज फोर फिंगर को मैं रिकवर कर रहा है. और ये बेबी 42-43 डेज का है. ये नए घर जाने के लिए रेडी है, दो तीन दिन में नए घर चले जाएगा. इसके जो ऑनर हैं वो अहमदाबाद में इसकी वेट कर रहे हैं और ये भाई साहब दिल्ली से फ्लाई करने वाले हैं वहाँ जाने के लिए. इम्पॉर्टेंट जो है इस ब्रीड के बारे में वो ये कि ये इजीली मैनेजेबल ब्रीड है. बहुत सारे लोग इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे, बहुत सारे सोचेंगे नहीं यार बड़ा टफ है. टफ किस चीज़ से, इनको नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है. मीन्स अगर जैसे अभी ये चीज स्टिक दिया मैंने इसे खाने के लिए, खाने के बाद में वो क्या होगा, इसकी फ्रंट लेग्स थोड़ी सी येलोइश हो जाएंगी, हल्का सा कलर लग जाएगा, तो आप गीला करके टॉवल उसे क्लीन कर सकते हैं. गर्मियों में रखना है तो आपको इस ब्रीड को डेफिनेटली एसी में रखना पड़ेगा. अगर आप सोचते हैं कि आपने सेंट बर्नार्ड रखा है उसे बाहर गर्मी में छोड़ देंगे तो आप क्रुएल्टी करेंगे. ऐसी गलती मत करना कभी भी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सेंट बर्नार्ड उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त कभी जिनको लगता है कि उनके लिए कभी टेंशन नहीं होगी कि सेंट बर्नार्ड रखा है तो उसको खिलाना है, क्योंकि दे आर जाइंट ब्रीड. इनका खाना बहुत हैवी डोज रहती है, बहुत हैवी डाइट लेते हैं ये. अगर मैं बात करूँ एक ग्रोन अप सेंट बर्नार्ड की, अगर मैं अपने गब्बर की बात करूँ, तो हम उसे एक टाइम में देते थे, एक ही टाइम खाना देते थे, और हम उसे देते थे 1 kg डॉग फूड अलॉन्ग विद 1 kg कर्ड अलॉन्ग विद 12 to 14 eggs. वो इतना सारा खाना, इतना बड़ा बर्तन होता था उसका, उसे हम खिलाते थे और एप्रन लगा के बिठाते थे. हमने आदतें बहुत बिगाड़ी हुई थी, उसको हाथ से खाना खिलाते थे, बट हम इंजॉय करते थे उसको. हमें लगता था हमारे लिए सेंट बर्नार्ड घर में होना मतलब एक फेस्टिव सी बात होती है. और इबादत जो है उससे मेरी कमिटमेंट है कि मैं डेफिनेटली एक पर्सनल डॉग के तौर पर उसे सेंट बर्नार्ड और गिफ्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी. इस ब्रीड की और जो खास बात वो ये है कि ये बच्चों के साथ बहुत जेंटल है, बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं. इनको मालूम है कैसे बिहेव करना है. स्निफिंग पावर बहुत अच्छी होती है. एक्टिव ब्रीड है. लोग क्या करते हैं, इनको ज़्यादातर या तो बांध के रखते हैं, इनका टेम्परमेंट बिगाड़ लेते हैं, अदरवाइज दे आर ऑसम ब्रीड. अगर आप सेंट बर्नार्ड लेते हैं तो सेंट बर्नार्ड को अपने घर में खुला रखिए, चाहे वो ड्राइंग रूम में जा रहा है, चाहे वो डाइनिंग रूम में जा रहा है. आप सोच रहे होंगे कि यार इतना बड़ा डॉग और खुला, डेफिनेटली सेंट बर्नार्ड को इंजॉय अगर आप करना चाहते हैं इस ब्रीड को, तो आपके पास में एक बहुत बड़ा सा, अगर आप सोचते हैं डॉग जिसको आप हग करें, बिगर देन अ टेडी, बिग टेडी, तो डेफिनेटली सेंट बर्नार्ड इज दैट काइंड ऑफ थिंग. ब्रीड जो है, अगर आप इन्हें बारिश में बाहर छोड़ देते हैं, बारिश में नहाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन इनको सुखाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इन्हें टाइम पर सुखाएंगे नहीं, गंदी जगह रखेंगे, अनटाइडी अनहाइजीनिक कंडीशन में, मिट्टी विट्टी में बैठ रहे हैं कुछ भी है, तो इनको कीड़े वगैरह पड़ने के चांसेस बहुत हो रहते हैं, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है. बाल जो है वो बारीक रहते हैं इनके. इसका जो कलर है वो जब वो चेंज हो जाएगा तो इट विल ही लुक लाइक ऑसम. जो कलर है ये, जैसे मैंने आपको बताया, जो हेड फेस है वो क्या हम आपकी बात करें, जो हेड फेस है वो पूरा ब्रॉड है. नोज़ ब्लैक है, आईज़ के ऊपर जैसे चश्मा लगा है उस तरह का है. सेंटर में वाइट मार्किंग है बहुत ऑसम सी. और जो ईयर्स है, ईयर का जो बॉर्डर है वो सारा ब्लैकिश है. ये बाकी कलर जो है वो ये वाला चेंज हो जाएगा. जो वाइट पार्ट है विल रिमेन वाइट थ्रू आउट लाइफ, लेकिन जो ब्राउन पार्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऑरेंजिश हो जाएगा. आपने सेंट बर्नार्ड ब्रीड रखी हो तो कोई भी अड़ोस पड़ोस वाले या आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव कभी भी आपको ये नहीं बोलते कि यार डॉग बहुत बड़ा रखा है. लोग बोलते हैं यार शेर रखा हुआ है, बिकॉज एक्चुअली इनकी अपेयरेंस बहुत ज़बरदस्त होती है. आई हैव सीन सेवरल टाइम, मैं गब्बर को लेके वॉक के लिए निकलता था और जो पेट लवर हैं, अगर कोई पास से गाड़ी निकलती थी वो लोग रुक जाते थे देखने के लिए कि वाओ व्हाट अ ब्यूटी. और मज़ा उसी चीज़ का है जब आपका डॉग इतना अच्छा है और आपके कंट्रोल में. कंट्रोल में करने के लिए आपको उसे बेसिक मैनर शुरू से सिखाने चाहिए, उसको फूड हैबिट अच्छी बनानी चाहिए, खूब सारा खाना खिलाइए, खूब सारा प्यार कीजिए. लेकिन ये डॉग उन्हीं दोस्तों के लिए है जो दोस्त सोचते हैं कि कितना भी एक्सपेंस है डॉग पे, दे डोंट माइंड. क्योंकि एक तो गर्मियों में इन्हें एसी में रखना पड़ेगा, एक चीज़ हो गई. दूसरा, बहुत ज़्यादा खाता खाते हैं.
बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, और अगर आपको सेम बनाड रखना है तो वो बड़ा सा जॉइंट सा हैवी सा होना चाहिए। अगर हम सोचेंगे दूध रोटी पे सेंट बर्नार्ड पालेंगे तो डेफिनेटली आप लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट बर्नार्ड मैंने देखे, एक तो सो कॉल्ड सेंट बर्नार्ड होते हैं, पतला सा हेड, छोटा सा हेड और पतली सी बॉडी, सिर्फ हाइट होती है थोड़ी बहुत, वो बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जो निंजा हेलमेट बड़े वाला आता है उससे भी बड़ा हेड हो जाए और बहुत हैवी से पॉज हो और बहुत क्यूट सा बेबी हो और हम लोग बहुत मस्ती करें। डॉग रखना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए आपको उसे बहुत अच्छे से ग्रूम करना है, नीट एंड क्लीन रखना है उसे, उसके ईयर्स को मेंटेन करना है। एक सबसे मज़ेदार चीज़ बताता हूँ जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की होगी या बहुत कम लोगों को पता होगी, इनके पॉज देखिए आप कितने सुंदर हैं, पिंक कलर के पॉज होते हैं, पिंक कलर के, इतने सॉफ्ट है जैसे पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम लगा रखी है भाई साहब ने, इतने सॉफ्ट है, गुगली मुगली मुश है। और ये जो डॉग है ये हमेशा ऐसे रहते हैं, इनके बड़े होने पर भी जो पाँव हैं वो ऑलमोस्ट नीचे से पिंकिश जैसे ही रहते हैं, बहुत हैवी साइज हो जाता है पॉज का। ग्रूम करना इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से टाइम निकालना पड़ता है, सुबह शाम दो टाइम बहुत अच्छे से कंघी करनी पड़ती है, हेल्थ टॉनिक्स देने पड़ते हैं, कैल्शियम मल्टीविटामिन ग्लूकोसामाइन ये सब चीज़ें देनी पड़ती हैं, बिकॉज ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और अगर ग्रो तो उसने करना ही है टाइम के साथ में, लेकिन अगर हम उसे किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी रह जाएगी हमारी तरफ से तो उसके जॉइंट्स वीक हो सकते हैं, टांगें खराब हो सकती है, हेड स्कल इतना हैवी नहीं जाएगा, तो उसके लिए टीथिंग के लिए एक्सरसाइज, टू बोन्स, चू टॉयज, ये सब चीज़ देना बहुत ज़रूरी है। और इन द एंड अगर आप भी ऐसा सा सुंदर सा सेंट बर्नार्ड लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9878474748 पे, या आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं जो मेरी पर्सनल है, दैट इज dogoma.com, उसमें कैनल सेक्शन में आके अपनी रिक्वायरमेंट फुल करके फॉर्म जो है फिल करके दीजिए और आप भी ऐसे से सुंदर से प्यारे से बेबी के ऑनर हो सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो बनाई आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस ना करें। साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, इस बेबी पे, सारी दुनिया पे, इसके ऑनर पे जो अहमदाबाद में है भाई साहब, और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।